जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप सबके फेवरेट टीवी स्टार्स का, इंद्र शर्मा फ्रॉम हिटलर दीदी, मासूम सी रचना सपने सुहाने लड़कपन से, चुलबुली सी जोया फ्रॉम कबूल है, एंड प्लीज वेलकम हमारी स्वीट सी पूर्वी फ्रॉम पवित्र रिश्ता, रणवीर फ्रॉम रब से सोना इश्क हमारे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी ही देर में एक स्पेशल अवतार में। और पवित्र रिश्ता के अर्जुन तो हर बार आपको अपनी ड्रामेबाजी दिखाते ही रहते हैं, आज भी दिखाएंगे। धमाकेदार तालियों से स्वागत करें हमारे टीवी स्टार्स का। ये आपके घर में होती है, मेरे घर में होती है, देश भर के घरों में होती है, और टीवी सीरियल में तो होती ही होती है। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? है यार, इसे कहते हैं बी फॉर बहू। और आज इसी बहू का किरदार निभाने के लिए आ रही हैं टीम धमाका से लवंगी मिर्ची श्रुति, और पवित्र रिश्ता से मेरी पूर्वी। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे एक्ट में जो मेरी पार्टनर है ना, वो पूर्वी दीदी है। भी हम एक ऐसा एक्ट करने वाले कि एक लड़की टीवी एक्ट्रेस से मिलती है, शूटिंग चल रही है। हाँ हाँ, लाओ ऑटोग्राफ दूँ। छोटी है लेकिन आई थिंक सबसे ज्यादा सिंसियर है आप। दूसरा तो श्रुति, मुझसे याद नहीं होगा ये। आई एम श्योर कि श्रुति इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज बने। आप पहले बोलते हो सुबह दो चम्मच, फिर मैं बोलती हूँ कौनसी वाली, फिर आप बोलते हो ग्रीसलिंग का। तो हमने हमारे रिहर्सल्स, हमारी सारी लाइन, सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया ना श्रुति? हाँ हाँ। तो हम अब अपना परफॉर्मेंस कैसा देंगे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा देंगे। Thank you.
रहा लोटा, अब देखो जो माँ है ना सारे चावल इसी पे गिरने चाहिए, ठीक है? मैं इधर माँ को समझे? चल अरे मेरी पूर्वी है, अरे मेरी यार मिल गई। भाई खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है खुदा, तूने मुझे मेरे प्यार से मिला दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द परफॉर्मेंस। हम सबसे पहले पहले पूछते हैं विवेक दास, विवेक दास कैसा लगा आपको ये परफॉर्मेंस? जकास बिंदास पंडू क्लास ड्रामेबाज, माइंड ब्लोइंग, बहुत बहुत मजा आया क्योंकि आपको मैंने पवित्र रिश्ता में देखा है जो बहुत सक्सेसफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया सुपर हिट सीरियल है, लेकिन उस छवि से लेकर इस अंदाज में देखना पहली बार, बहुत मजा आया पूर्वी, इतना हंसाया आपने, और खुद पर हंसना, खुद का मजाक उड़ाना, सेल्फ इफेसिंग ह्यूमर जिसे कहते हैं, ये बहुत कूल बात है, और आज आपने बहुत कूल परफॉर्मेंस किया है बहू का और बहू की एक्टिंग। एंड श्रुति, माय गॉड, इतनी छोटी 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 सी हो लेकिन इतनी बड़ी 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 कलाकार बनते जा रही हो, हर एक परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है श्रुति, यू आर सुपर्ब। और सबसे ज्यादा मजा मुझे इस पे आया जिस तरह से आपने उस लोटे को बिल्कुल परफेक्ट मार्क्स पे गिराया राइस के लिए, फैंटास्टिक। अभी श्रुति अच्छी बन सकती है, बहुत बढ़िया। वाकई मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म में इतना ज्यादा मैं कभी किसी एक्ट में नहीं हंसा, बहुत हंसा, चूंकि मैं रिलेट भी कर रहा था इससे और मजा आ रहा था मुझे,
वाकई बहुत आनंद आया। और जब शुरुआत में एक्ट शुरू हो रहा था ना, मैं बोला अरे ये तो फिर वही शायद पवित्र रिश्ता की किरदार निभाएंगी, अच्छा ठीक है वो आएंगी, बट क्या होगा मतलब यू नो, एंड बट यू नो आपने चौंकाया, इट वाज फुल ऑफ सरप्राइजेस। बेटा कुछ सीखा है तुमने दीदी से? क्या सीखा आपने? हाँ। क्या सीखा? रोना सीखा। वेरी नाइस, थैंक यू। सोनाली मैम, आप अभी भी हंस रही हैं, आपकी स्माइल कितनी खूबसूरत है, प्लीज बताइए कि ये एक्ट आपको कैसा लगा? अभी यहाँ पे कौन खड़ी है? अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन? यहाँ पे कौन खड़ी है? मैम आप प्लीज जरा कमेंट दे दीजिए। आज सीधा है ना अर्जुन। पूर्वी और श्रुति, आप दोनों फैबुलस थे, बहुत हंसाया आपने मुझे। और मैं एक बात कहूंगी कि लोगों को हंसाना ज्यादा मुश्किल होता है, लोगों को रुलाना बहुत आसान होता है। आपने जो किया वो ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए कुडोस, फैबुलस, वेरी वेल डन एंड थैंक यू, आपने हमें हंसाया। स्पोर्ट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले पहले पूछेंगे विवेक, विवेक दास से। विवेक दास, आपका टोटल होता है 29.5 out of 30। श्रुति वाह। पूर्वी आपसे एक बात कहना चाहेंगे हम। जी ये जो आपका अर्जुन है ना, नारायण नारायण, ये बहुत बिगड़ गया है शो पे आके। क्यों क्यों सर, क्या हुआ? ड्रामेबाज तो था ही ये पहले से, लेकिन यहाँ ये हमेशा दिन रात ना कभी फूल, कभी कविता, कभी कुछ कभी कुछ, सोनाली मैम के ऊपर कंटिन्यूसली लगा पड़ा रहता है। देखा इधर से उधर जा रहा है इसका निशाना। एक सेकंड, मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरे लिए सिर्फ पूरी, देखो तुम कितनी सुंदर लगती हो, तुम्हारी बिंदी तुम्हारे लिए लगती है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो वहाँ पे? वहाँ पे सारा टाइम पवित्र रिश्ता में मेरे पे लाइन मारते रहते हो, फिर सोनाली मैम पे लाइन मारते हो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मेरी बात सुनने की। मैंने सुनूंगी नहीं, 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 नहीं। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या है ना कि उनकी तारीफ करना जरूरी है। अच्छा अच्छा, पैसे मिलते हैं मुझे। राजी, तारीफ करने के पैसे मिलते हैं? अनुराग सर की तारीफ करो। हाँ विवेक सर की तारीफ करो। सोनाली मैम की तारीफ क्यों? नहीं मैं और ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। अरे पूरे रो नहीं लग गई पूर्वी? रो, अरे रुला दिया। अरे मेरी बात, अरे ग्लिसरीन के रुला दिया, बिना ग्लिसरीन के रुला दिया अर्जुन, बिना ग्लिसरीन के रुला दिया। सुपोचो प्यार से। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा कौन ज्यादा खूबसूरत है, पूर्वी या सोनाली मैम? अब बताओ। नारायण नारायण। पूर्वी खूबसूरत है, सोनाली मैम जितनी। ज्यादा कौन खूबसूरत है? देखो मेरी बात, देखो प्लीज बताइए तो ज्यादा। देखो मैं या तो मैं इस शो से लात खा के भाग जाऊंगा, तो उस शो से लात खा के भाग जाऊंगा, कहीं नहीं जाना, प्लीज कमाना मैंने। देखिए अब तो मेरे को एक बात बताओ, ये सारी चीजें बाद में बात करते हैं हम लोग, प्लीज विवेक दा अब मुझे ये बता कि तुम्हारा हमारे शो पे सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है तुम्हारा हमारे शो पे? वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं अच्छा, ये तो आपकी पार्टनर हो गई, इसके अलावा हमारे कंटेस्टेंट्स में से आपका फेवरेट कौन है? श्रुति के अलावा मुझे अन्ना मित्रा का वो जो सास वाला परफॉर्मेंस था ना, वो बहुत अच्छा लगा था, तो आई थिंक वो मेरी सेकंड फेवरेट। वाओ अन्ना मित्रा, अन्ना मित्रा, अरे अरे वाह तुम आ गई, वेरी नाइस। ये हमारी प्यारी सी बिहारी सास। अगर ऐसी सास हो तो मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। हाँ तो भी। तो बना देते ना इसको सास, अभी बना देना, बना देते ना सास, बेटा बनोगी तुम सास? वेरी नाइस सासुमा। सासुमा ये रहा आपका आसन। श्रुति बेटा सासुमा के सामने सड़ जाओ, मार देंगी तुम्हें। ये आपकी बहू, बहू रेडी? हाँ बहू रेडी, लेकिन सास बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, ठीक है? वो बिहारी सास, ओके? चल। अरे बहू पानी ला। पानी? अच्छा मजे भी लाती हूँ। अरे मेरे बेटे को बिगाड़ के रखी है, कोई काम तो करती नहीं है, बेटे को बिगाड़ के रखी है। मैं बिगाड़ के रखी हूँ आपके बेटे को? हाँ। बेटा तो पहले से बिगड़ा हुआ था माँ जी। मर क्या ना, हमारा बेटा जब तू आई नहीं थी कितना भोला सासा था।
ना कुछ नहीं था वो। माँ वो देखो माँ, मैं इसकी वजह से नहीं बिगड़ा हूँ माँ। हाँ, ये तो पहले से ही छप रही था। माँ एक काम करो, माँ आज है ना तुम इसे सेवा करवा लो, ये चुड़ैल मिलेगी नहीं आपको दोबारा। ठीक है, बैठ इधर। अच्छा माँ जी, पहले बा अब बता दूँ मत मैं। अच्छा सॉरी बेटा, सॉरी माँ, सॉरी माँ, सॉरी मैं। हाथ दबा, गुड है, गुड है। अभी गलत दबाऊँ माँ जी? अच्छा डराओ मत। अच्छी बहू बनेगी ना। अब जो बोलोगे मैं वो करूंगी। जोरदार तालियां हमारी सासू माँ अन्ना मित्रा, हमारी प्यारी सी बहू पूर्वी और श्रुति के लिए। What a performance, ladies and gentlemen! जिंदगी कभी भी एक सी नहीं रहती, उतार चढ़ाव तो जैसे जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर हम उम्मीद का दामन हमेशा थामे रखें तो जिंदगी बहुत सुंदर बन जाती है। और आज लाइफ की ऐसी ही ब्यूटीफुल कहानी लेकर आ रहे हैं टीम धमाका के छोटे से, नन्हे से, प्यारे से, ढचकियां ढचकियां प्रणीत और चुलबुली सी जोया फ्रॉम कबूल है। हेलो, हेलो, हाय, हाय। ये जो मेरा प्रिंस है, एक्चुअली मैं एक्ट में प्रिंस बनने वाला है। ओ, मेरी आंखें कमजोर हैं जहाँ पना। तो फिर हाथी कहाँ है? मैं कनीज हूँ, मैं इनके लिए चॉकलेट तैयार कर रही हूँ क्योंकि इन्हें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की चॉकलेट चाहिए। इन डिब्बों में क्या है? बहुत जल्दी चीजों को कैच करता है, हम कुछ चेंजेस भी करते हैं तो सडनली वो कैच करके वैसे ही करता है। हमने बहुत सारी रिहर्सल की है और प्रणीत ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है और हम अभी अपना 110% देने वाले हैं ताकि हम ही लेके जाएं ड्रामेबाज ऑफ द डे। देखो स्टेज पे, देखो कैसा स्टेज फाड़ता हूँ और जजेस को रुलाता हूँ। आतंकवादी इस वक्त होटल के अंदर गोलियां चला रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। अब तक हमारे जवान होटल के अंदर पहुंच पाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं और न जाने कितने मासूमों की जान इस वक्त खतरे में है। इतना हल्ला क्यों हो रहा है? आज दिवाली है क्या? जानते ये जो होटल वाले हैं ना, ये आज दिवाली मना रहे हैं। अगर आज दिवाली है तो फिर हम बाहर क्यों नहीं जाते? यहाँ पे कितनी गर्मी है। अरे आप भूल गए, यहाँ पे एक गेम चल रहा है और आपको पता है कौन जीतेगा? नहीं। जो ये सारे पटाखे खत्म होने तक ज्यादा देर तक इस कमरे में छिपा रहेगा ना, वो जीत जाएगा। बस हम जल्दी से जीत जाए। अरे आप भूल गए, ये तो गेम है। अरे हम भूल गए, ये तो गेम है ना। प्लीज अब आप सो जाइए प्लीज। पर मुझे कहानी सुननी है। एक, आप यहाँ पर बैठिए, बैठिए। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक बहुत सुंदर सा प्रिंस था, बिल्कुल आपके जैसा, और उसका एक इतना सुंदर बड़ा सा महल था, बिल्कुल उस कमरे के जैसा, और उसकी एक मंत्री भी थी, बिल्कुल मेरे जैसी। मंत्री, इन डब्बों में क्या है? इन डब्बों में आपकी सेना के जानवर हैं जहां पना। इस डब्बे में है लायन, उसमें है हाथी और काओ, और जानते हैं इस डब्बे में क्या है? मियाओ, कैट। मुझे भूख लगी है। तो ठीक है, बताइए आप क्या खाएंगे? चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट बनाएंगे हम। इसमें हमने डाली
थोड़ी सी चॉकलेट और मिल्क। काव वाला डब्बा कहाँ था? इधर। ओके, इसमें हमने डाला थोड़ा सा मिल्क और हमने इसमें डाली थोड़ी सी शुगर और स्ट्रॉबेरी भी। ओके, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, थैंक यू। स्ट्रॉबेरी देखिए, आपको खुशबू आ रही है? अब हम सब मिलके चॉकलेट खाएंगे। ओके, ए हाथी चल चॉकलेट खा ले। अरे वो आते नहीं, वो तो मैं आऊं, कैट है। ओके, तो हाथी कहाँ है जहाँ पर ना? इधर। ओके, ए हाथी चल चॉकलेट खा ले। अरे अभी नहीं खाएगा, अभी सो रहा है। ओके, तो ये सारी चॉकलेट्स कौन खाएगा? मैं। आप खा लीजिए। बस बाकी तुम खुद खा लो। मैं खा लूं? ओके। मेरे तो बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खा ली, जहां पर ना मेरा तो पेट दर्द करने लग गया। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ वो हाथी, हाथी जाग गया है। हमने उसे चॉकलेट नहीं दी ना, हाथी जाग गया। पर चॉकलेट तो खत्म हो गया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अभी तरह ही। देखो मैं तो डरा भी नहीं, अब हम जीत जाएंगे ना। हाँ आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हाँ पर तो मुझे ढेर सारी चॉकलेट और टॉयज मिलेंगे। आपको बहुत सारी चॉकलेट्स एंड टॉयज मिलेंगे मेरे बच्चे, बहुत सारी चॉकलेट्स मिलेंगे। हाँ कौन आया? कोई कोई नहीं है, दूसरा राजा है ना, उसके उसके जानवर हैं। ठीक है आप सो जाइए प्लीज। पर मेरी मम्मी कहाँ है? आपकी मम्मी है ना? आपकी मम्मी को ये गेम अच्छा ही नहीं लगा तो उन्होंने क्विट कर दिया। ओके। आपका नाम क्या है? शिवम। याला बहुत प्यारा नाम है। अब आप सो जाइए प्लीज।
प्रणीत, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। थैंक यू। इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस जोया और प्रणीत आप दोनों की तरफ से। बिना कुछ वक्त जाया करे हम पूछेंगे दादा आपसे, कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? आउटस्टैंडिंग, वेरी नाइस। प्रणीत, तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से जोया, मैं आपका सीरियल देखता हूँ, कबूल है, आप बहुत अच्छा करती हैं उसमें, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने आज फिर वापस दर्शाया, और इस तरह से आपको हूबहू सामने देख रहा हूँ, पहली बार एक्ट करते हुए, हमेशा टेलीविजन पे देखा है, और आपने बहुत कमाल किया। वेरी नाइस, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। और जो भी जो ट्विस्ट एंड टर्न है कहानी में, जब मुझे पता चला कि आप उनकी माँ नहीं है, वो बहुत मूविंग मोमेंट था मेरे लिए। पर मेरी मम्मी कहाँ है? वहाँ पे एकदम इमीडिएटली आई रियली मेल्टेड, एंड इट वाज वेरी नाइस रिटन, बहुत अच्छा एक्ट, बहुत अच्छा लिखा गया। प्रणीत के बारे में मैं आपसे सुनना चाहूंगा, आपको कैसा लगा? ये मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है शुरू से, और दे ऑल आर गुड, बट जब मुझे पता चला कि मुझे प्रणीत के साथ करना है, तो मुझे लगा कि सबसे पहले मैं इसके चीक्स खाने वाली हूँ। मैं रोज खाना नहीं खा के आती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ मैं तेरे चीक्स खा लूँ, तो इसे नो, खाना बना हुआ है। तो इतना प्यारा है मेरा, हमेशा मन करता है मैं इसे उठा के अपने घर ले जाऊँ। उठा के घर ले जाऊँ तो ले जाओ, उठाना पड़ेगा, उठा के पहले उठाना पड़ेगा, फिर घर ले जाना पड़ेगा। वो ओ ओ ओ शाबाश बिंदास झकास पंडू क्लास, छोटे ड्रामेबाज एंड बड़े ड्रामेबाज। प्रणीत, आपने बहुत अच्छा काम किया बेटा। आई थिंक ये अब तक का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस है आपका, जिसमें आप पूरी तरह से परफॉर्मेंस में जुड़े रहे, इधर उधर कम देखा आपने। आपने बहुत अच्छा काम किया बेटा। कैसा लगा आपको जोया दीदी के साथ काम करके? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पहले से ही पता था कि बच्चों के साथ एक्ट करने सीरियल वाले आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। वाओ, वेरी गुड। प्रणीत, एक बात बताओ, ये वाला चॉकलेट ज्यादा स्वीट है या वो वाला चॉकलेट जो आपने और जोया दीदी ने बनाया? ये वाला चॉकलेट। और ये चॉकलेट ज्यादा स्वीट है या जोया दीदी? नाउ से जोया दीदी। जोया, अमेजिंग, थैंक यू, वेलकम टू आवर शो। आप जितना ही क्यूट प्रणीत है, उतनी खूबसूरत आप हैं। थैंक यू, माशाल्लाह आपने हमारे शो पर चांद चांद लगा दिए। वाओ, एंड यू वर फैबुलस। ऐसा लगा कि जिस तरह से ताज होटल में जो हादसा हुआ मुंबई में 26/11, ऐसा लगा कि हम उसी वक्त उसी समय वहां पर बिल्कुल ट्रांसपोर्ट हो चुके थे समय में, और हम देख रहे थे कि जात पात धर्म छोड़कर एक माँ का इंस्टिंक्ट जो होता है किसी भी बच्चे को, अपना बच्चे समान उसे प्रोटेक्ट करना, बहुत खूबसूरत लगा। फैंटास्टिक, फैबुलस। ओ हो, हम हमेशा कहते हैं ना, एक सामने जब अच्छा एक्टर हो तो दूसरे की एक्टिंग हमेशा अच्छी होती है। जोया, यू वर सो गुड कि आपने भी हमारे प्रणीत के बेस्ट पॉइंट्स बिल्कुल निकाले हैं। आपके साथ में मिलके प्रणीत ने अभी तक का उसका बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। द क्रेडिट गोज टू यू ऑल्सो, क्योंकि यू वर वंडरफुल। वेल, हमारी ज्यूरी के साथ साथ यहाँ पर एक और इंसान इमोशनल हुई थी, वो थी आपकी मम्मा, प्रणीत की मॉम आंटी। या एग्जैक्टली, मैं वो सीन फील कर रही थी। जोया ने ऐसा पूरा
क्रिएट कर दिया था सीन कि मुझे लगा कि सच में वहां पर मैं हूँ, किसी के साथ ऐसा हो रहा है और ये सब कुछ मैं नहीं बता सकती आपको. और वो अभी तक वो ये सारे परफॉर्मेंस उसने दिए हैं. अभी अच्छा संजीदा परफॉर्मेंस दिया. नाइस. या इसके मेंटर्स का ही विश्वास था उसके ऊपर जो उसको दिया उन्होंने. मैं भी ये कहना चाहती हूँ प्रणीत, इतना क्यूट था वो जो लाइन है ना कि ये नहीं थोड़ी सी शुगर. मेरे को लगता है मैं सबसे मन से वही लाइन बोलती थी, ये नहीं थोड़ी सी शुगर. हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि आप इतनी अच्छी हैं इसीलिए प्रणीत इतना अच्छा है. वाकई प्रणीत को मार्क्स का मुझे नहीं पता, लेकिन सोनाली मैम उठ के उसको जाके किस किया वो ही बहुत बड़ा मेरे लिए. वो सबसे ज्यादा मार्क्स है, वो आउट ऑफ 30 है. प्रणीत स्कोर्स पूछ ले. यस स्कोर्स प्लीज. जो लिख लिया पहले उनसे. अनुराग सर 10 देना. अनुराग सर 10 और विवेक भैया 10. उसकी बरसों पुरानी ख्वाहिश है कि प्रणीत को 30 on 30 मिले. चलो देख लेते हैं. दादा स्कोर्स प्लीज. 10 on 10. विवेक रेडी. स्कोर देने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा. ह से हिंदू, म से मुसलमान. ह से हिंदू, म से मुसलमान, जुड़ गए तो हम बने हिंदुस्तान की आन बान और शान. शान क्या हुआ. रेडी रेडी. वेल 20 तो मिल गए. मिलेगा मिलेगा पक्का. है कि 30 on 30 मिलते हैं कि नहीं. सोनाली जी तो 10 नहीं देती. अरे ऐसे ही नहीं उठ के किस किया यार. हगी दी किसी दे 10 तो होना ही है. सोनाली जी स्कोर्स प्लीज. तुक 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 तुक. मुझे नर्वस है. आप मुझे नर्वस कर रहे हो. मैं नर्वस हो रही. दादा के तो पसीने छूट गए. रेडी आर यू रेडी. पुरानी इच्छा पूरी हो गई. थैंक गॉड मेरी और प्रणीत की. यहाँ पे एक मोहतरमा है जोया जी, जिनकी एक इच्छा थी कि वो प्रणीत को उठा के घर लेके भागना चाहती हैं. हम देखना चाहते हैं आप ये कैसे करेंगी. अरे कमर टूट जाएगी. नहीं नहीं अच्छा इतना नहीं. आपका दूसरा चैलेंज ये है जोया, आप प्रणीत को उठा के अपनी सीट तक जाएं. Impossible. That I'll do next time, please. That was a lovely performance. धमाकेदार तालियां जोया और प्रणीत के लिए. टीम पटाखा से चिन्मय और रब से सोना इश्क के रणवीर पेश करने वाले हैं कर्ण और उनके गुरु पुरुषोत्तम की कहानी. धमाकेदार तालियों से उनका स्वागत करें. कर्ण बताओ तुम्हारा एक्ट क्या है. परशुराम बताओ आपका एक्ट क्या है. एग्जैक्टली यही हमारा एक्ट है कर्ण और परशुराम. ये परशुराम है वो मुझे श्राप देते हैं जिसमें से इधर से पूरी ऐसे गोल 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 आग लगी रहेगी. जी हाँ थोड़ा सा टेंशन है लाइफ में अपने लिए नहीं लेकिन बच्चे के लिए कि मैं इसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर पाऊँ, इसको 30 में 30 दिलवा पाऊँ. इनके लिए पूरी तरह से पूरी ज़ोरों शोरों से शिद्दत के साथ इनकी मदद कर पाऊँ. देखते हैं मैदान जंग में कौन हमसे जीतता है. आज हम ड्रामेबाज ऑफ द डे के लिए फाइट करेंगे और हम ही ड्रामेबाज ऑफ द डे भी बनेंगे और वीक भी बनेंगे. अर्जुन रुको. अर्जुन रुको. रोको अपने बाणों को. एक बार मैं ये पहिया इस खड्डे से निकालूं
फिर दिखाता हूँ अपना रण कौशल। हे अर्जुन, तुम बाण नहीं चला सकते। तुम युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके मुझ पर बाण नहीं चला सकते। आज मैं इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करूंगा जो मुझे गुरु परशुराम ने चलाना सिखाया था। मेरे इस तीर में इस युद्ध को समाप्त कर देने की शक्ति है। पांडव पुत्र सावधान। ओम ब्रह्मास्त्र वासुदेव। ओम ब्रह्मास्त्र वासुदेवाय नमः। कर्म ये मुझे क्या हो रहा है? ब्रह्मास्त्र चलाने का मंत्र मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? श्राप देता हूँ तुझे, मृत्यु होगी कर्ण, मृत्यु, मृत्यु। गुरु परशुराम, ये रक्त कहां से? कर्ण, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? क्षमा करे गुरुदेव, मैंने आपकी निद्रा भंग ना हो इसीलिए। वत्स, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, परंतु सत्य कहो, कौन हो तुम? क्योंकि एक ब्राह्मण पुत्र इतनी पीड़ा नहीं सहन कर सकता। इतनी पीड़ा तो केवल एक क्षत्रिय ही सहन कर सकता है। सत्य कहो, कौन हो तुम? क्षमा करें गुरुदेव, मैंने आपसे विद्या सीखने के लालच में आपसे झूठ कहा। मैं सूत पुत्र कर्ण हूं। झूठ, असत्य। तू सूत पुत्र भी नहीं हो सकता, तू केवल एक क्षत्रिय हो सकता है। और तू भली भांति जानता था कि मैं क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देता, और इसीलिए तूने मेरे साथ छल किया, असत्य बोला, धोखा दिया मुझे। यदि आज तूने मेरे लिए इतनी पीड़ा ना सही होती कर्ण, तो तेरा शीश मेरे कदमों में बड़ा होता। श्राप देता हूं तुझे, श्राप देता हूं तुझे। ब्रह्मास्त्र की विद्या के लिए तूने मेरे साथ छल किया है कर्ण, जब उसे उपयोग करने का समय आएगा तो भूल जाएगा। मृत्यु होगी कर्ण, मृत्यु, 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 मृत्यु।
तेरा सारा जीवन अभिशापित रहा है और तू शापित ही मरेगा। मैं जानता हूं आज मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मैं ये युद्ध भूमि छोड़कर नहीं भागूंगा। चलाओ अर्जुन, चलाओ अपना बाण। आज ये कर्ण एक वीर की भातों मारेगा, ये सूत पुत्र एक क्षत्रिय की तरह मारेगा। चलाओ अर्जुन, चलाओ अर्जुन, चलाओ अपना बाण, चलाओ अपना बाण। Performance, yeah. Super performance. Ranveer and Chinmay, speechless. Judges. Outstanding. Itni intensity. Baap re baap. Aag laga di aapne stage pe. Waqai, literally aag laga di aap logon ne. Chinmay and Ranveer, outstanding. Ranveer, mujhe pata nahi tha aap itne achhe actor ho. Maine is tarah se saamne saamne kabhi dekha nahi aapko, television pe dekha hai. Aur... But it shows, you know, what amazing actors we have today in television. Outstanding. And Chinmay, Karan, kya hai beta, mera sabse favorite character hai Mahabharat ka. I think kai logon ka sabse favorite hai. Aur tumne itne achhi tarike se nibhaya. Aur bahut badhiya beta. Very, very nice. I am so proud. Kabhi kabhi hota hai na, kisi show mein, kabhi kabhi kisi moment mein act ke baad lagta hai ki main sahi jagah hoon, ya main sahi kaam kar raha hoon. I am in the right place. I am happy to judge this show. Kamal hai. मतलब ये है हमारे ड्रामेबाज का परिवार। सो एक बार हमारे ड्रामेबाज के परिवार के लिए जोरदार तालियां। ये सब बच्चों की वजह से है जो कुछ भी है। सुपर अमेजिंग रणवीर, आपने जो साथ दिया है हमारे चिन्मय का, वंडरफुल था। एक बात और कहना चाहूंगी, इस एक्ट में चिन्मय का जो योगदान था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। बराबरी का टक्कर, बराबरी, बराबरी की टक्कर। हाँ मैम, इसका क्रेडिट ये भैया को जाता है क्योंकि उन्होंने आलोक सर के बाद उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया इसके बारे में। क्या बात, वाह। मतलब रणवीर, दिस इज रियली, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया हमारे लिए। बता दीजिए। यस, ये बहुत बढ़िया रणवीर। जब एक पनपता हुआ एक्टर, एक बढ़ता हुआ एक्टर, एक बहुत ही अच्छे मंझे हुए कलाकार के साथ, एक बहुत अच्छे एक्टर के साथ काम करता है, तो उसकी एक्टिंग का लेवल बिल्कुल ऊपर चला जाता है। एंड ऑल थैंक्स टू यू, आज चिन्मय ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है उसका आज तक का। चिन्मय, कमाल कर दिया बेटा। It's a 10 plus. ये पहली बार हुआ है। सोनाली मैम ने 10 plus दिया यार। % के चक्कर में निहार बन चुका है 100% ड्रामेबाज, और इनका साथ देने के लिए आए हैं एक ऐसे स्टार जिनका है जी के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता, राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ बनेगी अपनी बात। तो आइए देखते हैं टीम धमाका का निहार और हिटलर दीदी के इंदर शर्मा की बनेगी बात, जब ये ले जाएंगे हमें भगत सिंह के बचपन में साथ साथ।
भगत सिंह, अपनी मिट्टी की कसम खा के कहता हूँ कि गोरों को इस देश से भगा करूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। एक भगत सिंह मरेगा तो हजार भगत सिंह पैदा होंगे। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम है भगत सिंह और मेरे पिताजी का नाम है सरदार सिंह, मेरी माता का नाम है विद्यावती और मेरा जन्म पंजाब में 27 सितंबर 1907 में हुआ और मैं अभी 5 साल का हूँ। मैं बड़ा आपके क्रांतिकारी बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे चाचा जी भी क्रांतिकारी है और मैं उनकी तरह जेल जाना चाहता हूँ और अंग्रेजों को भगा देना चाहता हूँ, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। बाबा जी, पुत्र जी, तैयारियां तो जोरदार हो रही हैं, हैं? मास्टर नी जी खुश हो जाएंगी, दाखिला तुरंत देगी। क्यों नहीं देगी, आखिर मैं पोता किसका हूँ? समाज सुधारक सरदार जून सिंह का। अच्छा जी, आ जा मेरे दलेर पुत्र, तुझे खेत घुमा ले। आजी वाजी, फसल तैयार हो गई है। हाँ, देखा प्रकृति का नियम भी कितना खूबसूरत है। पुत्र, हम एक दाना बोते हैं, ये हमें सैकड़ों दाने देती है। बाबा जी, मैंने भी कुछ उगाया। आपने उगाया, बताओ क्या? अरे ये तू उगा भी नहीं। लेकिन आपने बोया क्या था? अरे रुको, 2 मिनट अभी निकाल। अरे बताओ। अरे क्या बात है पुत्र, इतने आगल कर, इतने शाबाश। एक बात बताऊं, बंदूक है ना, बंदूक ये जमीन में नहीं उगती। पर बाबा जी, आपने ही तो कहा था ना कि अगर हम एक बोएंगे तो हमें सैकड़ों मिलेंगे। अच्छा, तो इसलिए आपने बंदूक की खेती कर डाली। लेकिन एक बात समझ बेटा, ये बंदूक जो है ना, ये सिर्फ एक जरिया है, आपको किसी और चीज की खेती करनी पड़ेगी। कौन सी चीज की बाबा जी? विचारों की। बंदूक तो कभी भी साथ छोड़ सकती है, बंदूक चलाने वाला इंसान मर सकता है, पर विचार, विचार अमर होते हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति इन्हें नाश नहीं कर सकती पुत्र। इसलिए बाबा जी, मैं भी आज से विचारों की मशाल जलाऊंगा। वाह रे वाह रे गुरु की मैं तुझ पर हमेशा बने रहे पुत्र, हमेशा बने रहे। बाबा जी, आपसे मिलने कुछ क्रांतिकारी आए हैं। आता हूँ, पुत्र से गल कर रहा हूँ, रुके रहो। हाँ पुत्र, मैं ये कह रहा था कि मुझे तो पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तू हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरेगा। तू देखना, बच्चे बच्चे की जुबान पर तेरा नाम होगा पुत्र। बोले सोनिहाल। अब तू खेल, मैं भी आया, पहले बंदूक ले खेल। एक दिन ऐसा धमाका करूंगा जिससे अंग्रेजों की आत्मा कांप उठे, इसलिए चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। वंदे मातरम। इसे भगत सिंह की मौत हजारों भगत सिंह को जन्म देगी।
मैं रहूं चाहे ना रहूं, मेरे विचार मेरी क्रांति हमेशा जिंदा रहे और इसे तुम सबके बहरे कानों तक पहुंचाएगा ये धमाका। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुपर परफॉर्मेंस निहाल, ऋतुराज, बहुत अच्छा किया यार आप लोगों ने। मैं ज्यादा एक्ट के बारे में बोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगा। और यार छोटू तूने तो कमाल कर दिया यार, बहुत जबरदस्त। ऋतुराज भाई आप तो हम सबसे सीनियर हैं, मतलब मुझसे तो सीनियर हैं ही। वो आपने अपनी सीनियरिटी आज परफॉर्मेंस में दिखा दी, कितने मंझे हुए हैं आप एज अ कलाकार, जान डाल दी पूरे एक्ट में। दैट वाज अमेजिंग, यू रियली आर अ बिग एक्टर विद अ बिग हार्ट। दादा कैसा लगा आपके परफॉर्मेंस? बहुत ही बढ़िया। और इस एक्ट ने एक चीज सिखाई, जैसे अक्सर कहते ना एक फिल्मी स्क्रीन प्ले के लिए हमेशा कहा जाता है कि जिस फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा होता है उस फिल्म का सेकंड हाफ भी अच्छा होता है। सो ऐसा जिंदगी के साथ भी है। इस एक्ट से पता चला कि जब फर्स्ट हाफ जैसा गुजरेगा वही डिसाइड करेगा कि आपकी जिंदगी का सेकंड हाफ कैसा गुजरेगा। सो इसीलिए ज़रूरी है कि जो संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं कम उम्र में वही डिसाइड करता है कि वो किस तरह का इंसान बड़ा होके बनेगा। तो ये तो सीख मिली भैया। और ऋतुराज जी मैं हिमाकत ही नहीं कर सकता अच्छा बुरा बोलने के लिए आपके, कैसे हिमाकत करूँ? निहार तुम जानते नहीं हो तुमने किसके गोद में बैठ के एक्टिंग की है। एंड यू आर वेरी लकी, यू रियली डोंट नो व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही इज। और मैं आपको तोल मोल के बोल और मतलब बनेगी अपनी बात के समय से देखता आ रहा हूँ। आप बहुत बहुत उम्दा और कमाल के ऊंचे एक्टर हो। बोल रहे वेरी नाइस, थैंक यू। कमिंग फ्रॉम यू इट मींस अ लॉट टू मी। वेल हम पूछना चाहेंगे सोनाली जी आपसे, क्या इस परफॉर्मेंस ने आपके भी दिल को उतना ही छुआ? आज हम हमारे बच्चों को एक अलग अंदाज में देख रहे हैं। इतने हफ्तों से ये अपने ही साथ में अपने हम उम्र के साथ में ही परफॉर्म करते आ रहे हैं। आज ये लोग मंझे हुए एक्टर्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें वी कैन सी कि उनमें कितने खिल रहे हैं बच्चे, कितना सीख रहे हैं उसमें। तो बहुत ही प्यारे थे निहार आप, और कम्प्लीटली उसका श्रेय आपको जाता है ऋतुराज जी। और थैंक यू सो मच कि आपने हमारे निहार के सर पे हाथ रखा। थैंक यू सो मच। सोनाली जी 9.5, वंदे मातरम 10/10, 29.5/30। चल एक बंगला करते म्यूजिक। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। इन दोनों के जैसा हो ऐसा हो भाई ऐसा हो। सो प्रेजेंटिंग हमारे नेताजी और उनके बिटवा अभिषेक शेख, हमारे पटना के पोएट और सपने सुहाने लड़कपन के मयंक। लेडीज एंड जेंटलमैन, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग सुगर, नारे पापा, टेलिंग ए लाई, नारे पापा, ओपन योर माउथ, हमरे सोफे पे काहे नाच रहा है? पापा मैं भाषण दे रहा हूँ। भाषण? नहीं, कविता का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो कहा है ना
कि कल स्कूल में कविता का रजिस्ट्रेशन है। कविता का रजिस्ट्रेशन? ओह, बाल कवि सम्मेलन। बेटा वो तो कल है ना, हाँ तो आज स्कूल का नहीं गए? पापा आज फुल टाइम खेलने का मन कर रहा। अच्छा तो यहाँ का खेल रहे बेटा? पापा आपने कहा बहुत बड़ा स्टेडियम बना के दे दिया। हट, बहुत बात करने लगा है तू। पापा मम्मी कहती है कि मेरी बोलने की आदत है ना, वो आप पर गई है। बेटा तुम्हारी जो मम्मी है ना, मम्मी मम्मी इधर है तो नहीं ना, हाँ, तुम्हें तो मम्मी है ना, मम्मी कम दूसरी पार्टी की लीडर रह सकती है, समझे? हम चले। पापा एक मिनट। क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? हम संसद जा रहे हैं। संसद? क्यों नहीं जाएगा? नहीं नहीं मैं भी चलूंगा। नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे। मैं भी चलूंगा। अरे तुम नहीं जाओगे? मैं भी चलूंगा। मैंने कहा तुम नहीं जाओ। मां कसम मैं भी चलूंगा। अरे लेकिन बेटा तुम वहाँ जाना को चाहते हो? वहाँ जाके हम जूता जूता खेलेंगे। जूता जूता? हाँ। वो का है? कल टीवी में दिखाया था कि आप सभी नेता लोग वहाँ मिलकर जूता जूता खेलते हैं। अरे वाह बेटा तुम तो बहुत स्मार्ट हो गए। हाँ स्मार्ट नहीं नोटी, अनोटी के साथ नेता। अरे बाप रे, लेकिन बेटा तुमको एक बात बताएं, पहला सबक सुनो, राजनीति में कभी अपने बाप पे भी भरोसा मत करो। राजनीति में अपने बाप पर भी भरोसा मत करना। वेरी गुड। और दूसरी बात सुनो, भाषण देना जो है ना वो बहुत ही जरूरी है। अब नहीं खेलनी मुझे राजनीति। क्यों? मुझे सिर्फ एक नेता जैसी फोटो खिंचवानी है, मोबाइल से खींच दो ना। नेता जैसी फोटो खिंचवानी? हाँ। चलो ठीक है। आप अपना टोपी दे दो पहले। घुमाओगे तो नहीं ना? नहीं नहीं। हाँ वेरी गुड। चलो 1 2। पापा पापा रुकिए, आप अपना जैकेट दे दो ना। वे नेता बनने के लिए काका उतरवाएगा हमारा बच्चे। हाँ वेरी गुड, अभी ले। पापा अब मैं नेता जैसा लग रहा हूँ? नहीं बेटा तू तो एकदम लल्लन टॉप मोटा बना है। हाँ एकदम हमसे ही बढ़िया। आजा। पापा एक मिनट, ये क्या है? अबे ये तो हमारी टिकट है इलेक्शन लड़ने की। ला दे दे दे। अच्छा तब ये मेरा हुआ और मैं बनूंगा नेता। बाय पापा, मैं चला संसद। अच्छा हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं हैं, अपने बाप को पागल बनाएगा बे। पापा राजनीति में आखिरी सबक, अपने बेटे पर भी भरोसा मत करना। भाई हमारा देश जाएगा डूब इन द लेक अगर हमारे नेता हो गए जैसे मयंक और अभिषेक से। बहुत मजा आया क्योंकि इस तरह का व्यंग मेरे ख्याल से आईबीडी में पहली बार हुआ है और इस तरह के स्क्रिप्टों की जरूरत है, तो मजा आया बड़ा क्योंकि अभी सीजन भी गर्मा रहा है, हमारा राजनीति इलेक्शन पास आ रहा है, तो इस तरह के और एक्ट्स होंगे तो और मजा आएगा। अभिषेक बहुत ही बढ़िया रहा आपका एक्ट मयंक, एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड कोऑपरेटिंग विद अभिषेक। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, हंसी भी आई। मयंक थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए, इट वाज रियली वंडरफुल टू हैव यू हियर। थैंक यू। अभिषेक आपने भी बहुत अच्छा काम किया, हंसी मजाक आप कर लेते हो, कभी कभी आपका इम्प्रोवाइजेशन बहुत अच्छी तरह से काम करता है, कभी कभी थोड़ा सा टाइमिंग अगर ऑफ हो जाती है तो उलट पुलट हो जाता है, लेकिन ये खेल है। ब्रिलियंट। तो नेता जी पूछ ले स्कोर्स। विवेक सर And 8 points. Ma'am, 8.5. Dada, 8 points. Well, आपका total score हो चुका है 24.5. मयंक के लिए कुछ बोलना था मुझे। Okay, ma'am. हम सब मम्मीज का फेवरेट है मयंक, क्योंकि वो जिस सीरियल में आता है ना सपने सुहाने लड़कपन के, उसमें अपनी मम्मा का बड़ा आज्ञाकारी बेटा है। और इसलिए हम सारी मम्मियां ना उसको वहां आके मिलना चाहते हैं सर। एक शर्त पे सब जाएंगे, सबको डांस करना पड़ेगा। मम्मियों का जो डांस इंडिया डांस है ना उसका ये रफ ऑडिशन है, आ जाओ सब। चलिए हम आपको दिखाते हैं डीआईडी मम्मीज का एक रफ फुटेज आने वाला है, प्लीज मम्स आ जाइए। इतनी सारी माओ का प्यार एक साथ, आप इतनी सारी मम्मीज है, पिछले इतने सारे एपिसोड में आपको ये बेटा नहीं दिखाई देनी जैसे। मैंने माँ के पैर नहीं छुए अपने शो में, बातें कर रहे हैं आप लोग। मयंक इतनी सारी माओं का प्यार, बेटा तुम बहुत नसीब वाले हो, चले। थैंक यू।
नचना ए हसीनो तो मैं आ गया, ए बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, बचना ए हसीनो जो है मम्मी के पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तो आप लोग हमारी जितनी भी मम्मियां देख रही हैं अपने डांसिंग शूज पहनिए क्योंकि डीआईडी सुपर मॉम्स के ऑडिशंस शुरू हो रहे हैं चंडीगढ़ और गुवाहाटी में। थैंक यू मम्मा। हमारा एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा निहार कुछ कहना चाहता है। निहार जरा यहाँ आओ मेरे पास। अब तुम क्या कहना चाहते हो बोलो। मैं कहना चाहता था कि वो जो भैया है रणवीर उनके बॉडी मुझे उनकी तरह बॉडी बनानी है। रणवीर भैया जरा मंच पे आ जाइए। बता दीजिए। जोरदार तालियां रणवीर भैया के लिए। रणवीर भैया आपकी बॉडी का राज क्या है? बॉडी बनानी है ना मेरे जैसी बेटा है उसके लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तेरे पास ये है नहीं उसके लिए ना करेला खाना पड़ता है। समझ रहा है? एक करेला लगता है दूसरा यहाँ लगता है। खा लेगा करेला? तो करेला लेकिन जो अगली चीज है ना तो वो खा नहीं पाएगा। डेफिनेटली नहीं खा पाएगा। और तू क्या ये कोई बच्चा नहीं खा सकता है? किसी में दम खा पाएगा कोई? तू सब कुछ खा सकता है बेटा। तेरा तेरे पूरा भरोसा है मुझे। और क्या खा सकता है? सेटअप लाया जाए। माय गॉड बच्चों ये देखो रणवीर भैया को हमारे सेट पे आ गए और हमें ही हूल दे रहे हैं कि हमारे बच्चे ये दूध नहीं पी सकते। पी सकते हैं ना? बच्चे आपके दिए हुए चैलेंज पे खड़े उतरे? अजी बिल्कुल सब दूध चाप गए लोग। तो हम लोगों ने दूध पी लिया है जी और बॉडी बना ली है। तो आप लोग भी पीजिए और बॉडी बनाइए। सब बच्चा लोग बॉडी दिखाओ अपने। मसल देखा है? मसल मसल के रख देंगे। जोरदार तालियां हमारे नन्हे ड्रामे बाजों के लिए। थैंक यू सो मच रणवीर। प्लीज जाए और अपनी सीट पर बैठे। क्या बच्चा मिलेगा? कौन दिखाएगा इस बच्चे को रास्ता? आइए देखते हैं टीम पटाखा के लव बॉयज ज़ेनिथ और सपने सुहाने लड़कपन की ब्यूटीफुल लड़की रचना को जो लेकर आ रहे हैं अपना डुओ एक्ट खोया बच्चा। वाओ मम्मी पापा खो गए मतलब तुम खो गए हो ना? नहीं मैं तो यहाँ हूँ। मेरे मम्मी पापा
कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ना। अब बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अरे ये सब तो तुम्हारे घर के नाम होंगे ना, मेरा मतलब है कि स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का? हाँ। पापी किस इंग्लिश मीडियम स्कूल? ये तो तुम्हारे स्कूल का नाम, मेरा मतलब है कि तुम्हारे स्कूल में सब तुम्हें क्या बुलाते हैं? स्कूल में सफर। ये बताओ कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? जो खाली होता है उसमें पढ़ लेता हूँ। ये बताओ कि तुम्हारे पापा का क्या नाम है? पापा का नाम सुनते हो जी? सुनते हो जी? ऐसे कैसे नाम हो सकता है? मम्मी से ये क्या कर रहे? सुनते हो जी। और मम्मी का नाम? मम्मी का नाम बाबू। बाबू? अच्छा मुझे ये बस और मेरा चॉकलेट खिला, बाद में बात होगी। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अगर कोई और दीदी होती ना तो चार चॉकलेट खिला दिए होते उन्होंने। हाँ बेटा, मैं तुम्हें गोदी में भी उठाऊंगी, चॉकलेट भी खिलाऊंगी, लेकिन तुम ऐसे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो और अपने घर का पता बताओ। घर के पता? हाँ। सीधे जाकर गोल घूमो, गोल घूमो, गोल घूमो, वापिस सीधे जाओ, उसके सामने एक घंटा घर होगा। घंटा घर? मतलब तुम्हारा घर घंटा घर के पास है? नहीं, पार्क के सामने घंटा घर। मतलब घंटा घर के सामने तुम्हारा पार्क है ना, मतलब यही वाला पार्क? हाँ, ढूंढ लिया, इसके सामने तो मेरा पीला वाला घर है। मतलब तुम खोए नहीं थे और मुझे उल्लू बना रहे थे। अब मैं तुम्हें चॉकलेट भी खिलाऊंगी, तुम्हारे घर भी छोड़कर आऊंगी। चलो चलो। जैनेत? हाँ बेटा, इतनी सी उम्र में लड़कियों को घुमा रहे हो तुम पार्क में। क्या बात है भाई, जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए प्लीज। सुपर परफॉर्मेंस रचना एंड जैनेत। चलिए हम पूछते हैं विवेक जी। सबसे पहले तो रचना वेलकम टू आवर शो, थैंक यू, आपने बहुत बहुत प्यारा परफॉर्मेंस किया, बहुत मजा आया परफॉर्मेंस देख के। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कभी सपने सुहाने लड़कपन के ऐसे वाले सपने तो नहीं देखे होंगे। नहीं ना, ऐसा खोया हुआ बच्चा मिल जाए तो अच्छे अच्छों को घुमा दे। अभी भी घुमाने के चक्कर में। जैनेत बड़े क्यूट लग रहे हो यार तुम, ये बाल वाल फाउंटेन लग रहा है सर पे तुम्हारे, बहुत क्यूट सा लग रहा है। हाँ हाँ, लेकिन अब हम आपको जेनिथ फाउंटेन बोलेंगे आज। नहीं, जेनिथ फाउंटेन नहीं, कोकोनट थी। बहुत क्यूट एक्ट किया आपने, बहुत अच्छा परफॉर्म किया बेटा। एक मुझे मिनट। हाँ। रचना दीदी के सरप्राइज लाया हूँ। क्या? क्या सरप्राइज है? मैं कह रहा हूँ ये बहुत पहुंची हुई चीज़ कुछ भी हो सकता है, इसका संभल के रहना रचना जी, बॉम्ब वॉम कुछ भी हो सकता है। हमारा तुम यहाँ भी शुरू हो गए, मतलब रिहर्सल हॉल में तो ठीक है। रिहर्सल हॉल में? हाँ? क्या कर रहा था? ये आँख वाँख मारा तो बोल रहे मुझे पप्पी भी देवी आती है। मेरी मेरी गर्लफ्रेंड भी है, मैंने बोला रिहर्सल हॉल में ठीक है, लेकिन यहाँ सबके सामने गुलाब दे रही हूँ। वेल जजेस, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि हमारा ये जो प्यारा सा जैन है, तो जब तक फूल लेगी नहीं ना तब तक वो मानेगा नहीं। ले लो प्लीज, ले लो, वो खड़ा रहेगा ऐसे, ले लो ले लो। वेरी नाइस, वाह जैनेत बेटा, हम आपको भी और हमारी सारी की सारी जनता को हमारी हमारा जो जैनेत है उसकी हीरोगिरी की थोड़ी सी झलक दिखाते है ना। आओ बेटा हीरो, जरा देख लो। ओह हाय। हाय। हाय, आपका नाम क्या है? जैनेत। जैनेत, एक्चुअली मैं जब आई तब मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कौन होगा मेरा पार्टनर, कौन होगा, और मुझे पता चला कि एक क्यूट सा बच्चा है जो बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही अच्छा है, मस्ती खोर है। रचना दीदी बहुत अच्छी है, रिहर्सल तो करने का मन ही नहीं है, उनके साथ मस्ती करने की मन है। हाँ, हम रिहर्सल कर रहे थे। रिहर्सल तो बाद में करेंगे, अभी हम मस्ती करते हैं ना। आपके बाल बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। बाल अच्छे। थैंक यू। सब कुछ अच्छा, आप भी अच्छे हो। एक्चुअली इतने कॉम्प्लीमेंट्स और इतना अप्रिसिएशन तो मुझे को स्टार्स ने भी नहीं दिया है, मेरे प्रोड्यूसर्स ने भी नहीं दिया, मेरे डायरेक्टर्स भी नहीं दिया है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि वो गर्लफ्रेंड बने, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ बने बने बने।
क्या कहूँ, मेरा एक एकदम अच्छा जाने वाला मेरी पार्टनर इतनी ब्यूटीफुल है। शाना ज़ेनिक, हैं? बेटा एक बात बताओ, आपकी जो गर्लफ्रेंड है उनका क्या होगा अगर तुम ऐसे काम करते रहोगे यहाँ पे, तो क्या होगा बेटा, उनको क्या बोलेंगे हम कि हमने ज़ेनिक को क्या सिखाया ड्रामेबाज में? ड्रामेबाज में एक्टिंग, क्या? एक्टिंग। और तुम जगह जगह मैम के साथ किसी के साथ भी लगे रहते हो फ्लर्ट करने में, हैं? मुझे अच्छे लगते हैं, उनके साथ करता हूँ। अच्छा चलिए पूछते हैं जजेस से, जजेस आपको ये एक्ट कैसा लगा? अनुराग दा, बहुत ही अच्छा लगा। रचना आप बहुत प्यारी थी, आपने बहुत अच्छे से किया, लेकिन हम आपको एक दो साल से मिस कर गए। एक दो साल पहले अगर ये शो शुरू हुआ होता तो आप शायद इस शो में होती। बहुत बढ़िया रहा रचना, वेरी नाइस। और ज़ेनिथ, अच्छा क्या इतना छोटे जब कोस्टर जब 5 साल का हो ना, तब बहुत दिक्कतें आती है, अटेंशन स्पैन कम होता है, ध्यान कम रहता है, चारों तरफ दिमाग दौड़ता है, उसके साथ करना कई बार फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है क्योंकि बच्चा तो छोटा है, वो तो यहाँ वहाँ भागेगा। उसके बावजूद आपने अच्छा निभाया पूरा, बहुत मज़ा आया मुझे, और वेरी नाइस। चलो हम पूछते हैं सोनाली मैम से। सोनाली मैम, बहुत क्यूट था रचना, आप बहुत ही प्यारी हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि ज़ेनिथ को क्यों लगा कि मैं इसको ज़रूर गुलाब दे सकता हूँ, और ये यू नो थोड़ी सी हाइट में डिफरेंस है, बट यू नो आपकी उम्र में बहुत ज़्यादा नहीं है डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्कोर्स जानते हैं प्लीज। अनुराग दा 9 points, 8.15, 8.85. Come on, Ritvik, come on. Okay. Who is watching you? Ma'am Rose Banta, 26 points. Thank you very much. Well, nahi hai unke paas. Purvi, आप इम्प्रेस हुई ना? हाँ बहुत इम्प्रेस हुई, लेकिन बस क्या हो गया, और क्या चाहिए ये आपको? क्या था रोज बनता है, ये क्या था? बाद में इनसे रोज देके मैं तुम्हें देने वाला था, तुम्हारे नहीं ले रहा था रोज। तो हम बढ़ते हैं आगे, आपका स्कोर है 26, ज़ेनिथ एंड रचना थैंक यू वेरी मच, अ सुपर परफॉर्मेंस। और आज के ड्रामेबाजी में हमारा साथ देने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे सब फेवरेट टीवी स्टार्स का, जिन्होंने इन ड्रामेबाजों को बहुत कुछ सिखाया और उनके साथ मिलकर ड्रामे पे ड्रामा दिखाया। और ड्रामेबाज ऑफ द डे का खिताब जाता है दो एक्स को, क्योंकि आज पहली बार इस स्टेज पे हुआ है एक टाई, यानी कि धमाका की एक्ट, लाइफ इज ब्यूटिफुल, प्रणीत एंड जोया विद 30 points, और टीम पटाखा के एक्ट कर्ण और परशुराम को चिन्मय एंड रणबीर विद 30 points। सो प्लीज वेलकम चिन्मय एंड रणबीर, जोया एंड प्रणीत। अपना जलवा दिखा के सबको सब कुछ भुला दे, जहाँ एक तरफ ड्रामेबाजों ने अपने ड्रामे के तार बजाए तो दूसरी तरफ टीवी के बड़े बड़े ड्रामेबाजों ने अपने इमोशंस बहाए। अब इतनी मस्ती, इतना मजा, इतने सारे इमोशंस आपको और कहाँ मिलेंगे, ओनली ऑन इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। तो देखते रहिए हमारे ड्रामेबाजों का ड्रामा हर सैटरडे और संडे रात 9 बजे। इनकी उम्र है कम लेकिन इनकी एक्टिंग में है दम।